कि आप भी अपने इंस्टाग्राम का रील्स वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम का रील्स वीडियोस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर है और यहाँ देखिए इंस्टाग्राम का हम रील्स वीडियोस को डाउनलोड करने वाले हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन का। आपको अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीके से कोई भी रील्स वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले चलिए हम अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहां देखिए जैसे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए बहुत सारी वीडियोस होंगी हमारे सामने प्ले हो जाएंगी। आप जिन भी वीडियोस को यहां पर ओपन कर लेंगे, अगर आप चाहते तो यहां रील्स भी क्लिक कर सकते हैं और रील्स पर क्लिक करने के बाद जो भी वीडियो चाहे वो वीडियो यहां से आप भी चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी वीडियोस को आपको यहां पर डाउनलोड करना है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे कि यही वीडियो है और मैं डाउनलोड करना चाहता हूं, या इसके नीचे मैं स्वाइप करूंगा तो बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। एग्जांपल में यही वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। देखिए नीचे शेयर का ऑप्शन मिलता है, आप यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी लिंक का, तो आपको यहां पर लिंक जो है ये कॉपी कर लेना है और आपको यहां से कट कर देना है। अब आपको यहां पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, सिंपली क्या करना है यहां से इस तरीके से बैक आएंगे, आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन पहले से ही अवेलेबल होगा, सिंपली उसको आपको यहां पर इस तरीके से ओपन कर लेना है। जैसे देखिए उसे ओपन करेंगे तो ओपन करने में देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, यहां पर सर्च पर आपको क्लिक करना है और यहां पर जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको लिखकर टाइप करना है इंस्टा स्टोरी सेवर। चलिए मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर मैं इंस्टा लिखता हूं तो अभी देखिए हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा, यहां पर सजेस्ट कर रहा है क्योंकि मैंने पहले से सर्च कर रखा है। आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर, सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे देखिए आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से फर्स्ट ही वेबसाइट आ जाएगी, स्टोरी यहां लिखा है storysaver.net, आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो कोई भी प्रकार की रील्स हो वो सारी की सारी डाउनलोड हो जाती है। एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी रील्स होती हैं जो डाउनलोड्स नहीं होती हैं। तो यहां देखिए आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपको थोड़ा नीचे इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और आपने जो भी वहां से लिंक पेस्ट किया था यहां पर आपको क्लिक करना है और उस लिंक को यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, पेस्ट कर देंगे, डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए हमारे सामने कुछ डाउनलोड पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए ये कैप्चा इस तरीके से आ जाएगा, हम टिक कर देंगे और वो जो रील्स थी वो यहां पर सर्च करना शुरू कर देगा। हमारे सामने देखिए वो रील्स यहां पर प्ले हो जाएगी, अगर हम चाहे तो यहां से देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर ये देखिए यहां पर आ चुकी है हमारी रील्स। अब हम इस रील्स को नीचे लाएंगे, यहां से प्ले करके उस रील्स को हम देख भी सकते हैं, वरना यहां देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन है, यहीं से क्लिक करके हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेव एज़ वीडियोस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे देखिए मैंने सेव एज़ वीडियोस पर मैंने क्लिक किया, देखिए डाउनलोड फाइल्स आपको देखने को मिल जाएगी, ऊपर डिटेल्स होगी। इसके बाद देखिए हम सब कट कर देंगे, यहीं से प्ले करके आप देख भी सकते हैं वो वीडियो डाउनलोड हो रही है। इसके लिए आप ऊपर यहाँ नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं कि वो वीडियो यहाँ से डाउनलोड हो गई नहीं, अगर डाउनलोड हो रही तो डाउनलोड होती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं क्रोम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो वीडियोज़ है इतने एमबी की यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है। इसे देखने के लिए यहाँ पर देखिए अपनी गैलरी को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एल्बम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑल जितनी भी वीडियोस होंगी सारी आ जाती हैं। देखिए लास्ट में जो वीडियोस थी यहाँ पर देखिए प्ले करेंगे हम तो ये देखिए वीडियो जो थी इसकी आवाज़ को मैं यहाँ पर अनम्यूट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वही वीडियो जो है यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से देखिए आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। देख सकते हैं यही वीडियो थी, इस तरीके से बिल्कुल ही सेम मोमेंट था और सिंपल वही सेम वीडियोस हैं। सो इस तरीके से आप बिना किसी एप्लीकेशन के बहुत ही ईजिली स्टेप में आप कोई भी वीडियोज़ हो वो बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोज़ कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।